नमस्कार जी, कल्याण मंदिर में आपका स्वागत है। ये कौन सी मशीन है? 10+10 HP से चलने वाली डबल चेम्बर मशीन है। अच्छा जी, 10 HP की मोटर से भी चल जाएगा, 20 HP की मोटर से दोनों चेम्बर चल जाएंगे। अच्छा जी, आगे अपना है ये जो मसाले ग्राइंडिंग करने का चाहिए। अच्छा जी, ये यहाँ मसाले ग्राइंडिंग हो गए। अच्छा जी, और अपना इसका जो चेम्बर साइज आता है वो 12.5 इंची बाय 5 इंची रहता है। अच्छा जी, टेप लगा के बता दीजिए। ये चेम्बर साइज आता है, ये 12.5 इंची बाय। अच्छा जी, ये 5 इंची आता है पूरा। अच्छा जी, और पीछे का जो चेम्बर रहता है इसका वो 4 इंची बाय 10 इंची रहता है। अच्छा जी, हाँ जी। ये सामने पाइप के लिए दे रखे? ये पाइप एयर के लिए दे रखे हैं, जिससे अच्छा कि अपना डस्ट नहीं उड़ता है, एयर अपना पासिंग होता रहता है। अच्छा जी, और अपना यहाँ कपड़ा थैली इसकी बनती है जो कि माल आराम से नीचे निकलता रहता है। अच्छा जी, इसमें क्या काम होता है और उसमें क्या काम होता है दूसरे चैम्बर में? इसमें अपने मसाले ग्राइंडिंग होते हैं और ये वाले जो चैम्बर पीछे दिया गया है। अच्छा जी, इसमें आपका क्या बोलते हैं आटा ग्राइंडिंग, जैसे आटा, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्की, ये सभी आइटम इसमें ग्राइंडिंग होते हैं। अच्छा जी, इसका भी चैम्बर आपके बता दीजिए। इसका चैम्बर साइज है अपने 12 इंची, 12.5 इंची बाय 5 इंची। अच्छा जी, और पीछे का चैम्बर है 4 इंची बाय 10 इंची। अच्छा जी, दोनों एक ही मोटर से चलते हैं? दोनों एक ही मोटर से चला सकते हो, अगर किसी के पास 10 HP की मोटर है तो 10 HP की मोटर से एक एक मशीन चला सकते हो। अच्छा जी, हाँ जी। और ये हापर जो है, हापर में इसके यहाँ मैग्नेट लगा रहता है। अच्छा जी, जो कि अपना यहाँ पे चेम्बर में लोहा वगैरह नहीं जाता है। अच्छा जी, और माल भी बढ़िया ग्राइंडिंग करता है। अच्छा जी, और इसके अंदर जो बेरिंग लगे हैं वो कंपनी NTN जापान कंपनी के बेरिंग लगे हुए हैं अंदर। अच्छा जी, जो कि कभी गर्म नहीं होते और बढ़िया चलते हैं। अच्छा जी, और यहाँ इसका आयल भी डालने का, चेक करने का यहाँ पे है। अच्छा जी, जी हाँ। और यहाँ से अपना ये देखना, ये मोटर का सिस्टम यहाँ बता रहे हैं आपको। अच्छा जी, यहाँ मोटर फिटिंग होती है और यहाँ इससे बेल्ट से चलती है। अच्छा जी, मोटर के बेल्ट टाइट कैसे होते हैं? मोटर के बेल्ट यहाँ से टाइट होते हैं, जैसे कम ज्यादा करने के लिए यहाँ से टाइट होता है मोटर के ऊपर। अच्छा जी, तो बेल्ट टाइट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। मोटर फिटिंग में यही होती है? जी हाँ। अच्छा जी, और ये क्या क्या काम करती थी? ये आपके मसाले, हल्दी, जड़ी बूटी, सभी आइटम ग्राइंडिंग कर सकती है। ये आगे चेम्बर वाला। अच्छा जी, इसका जो चेम्बर रहता है उसमें अपन अनाज वगैरह, जैसे कि अपना गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी आइटम आप ग्राइंडिंग कर सकते हो। बढ़िया माल निकलता है, सुपर क्वालिटी का। इसके साथ जो जाली देते हैं, 6 जाली अच्छा आगे के चेम्बर के साथ देते हैं। अच्छा जी, और 6 जाली पीछे के चेम्बर के साथ देते हैं। अच्छा जी, तो दोनों चेम्बर के साथ कपड़ा थैली साथ में दी जाती है। अच्छा, और ब्रश दोनों चेम्बर के साथ में दिए जाते हैं साफ करने के लिए। और बुकलेट भी दी जाती है इसको ऑपरेटिंग करने के लिए। अच्छा जी, इसको एक ही आदमी चला सकता है, एक ही आदमी आराम से ऑपरेटिंग कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत बढ़िया जी। और बाकी बेल्ट का सिस्टम आपको समझाई दिया है इसमें। अच्छा जी, कोई इसमें मेंटेनेंस भी कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, जीरो मेंटेनेंस है इसका? जीरो मेंटेनेंस है और कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा जी, छोटी सी जगह में एक कमरे में भी काम चालू कर सकते हैं? आराम से एक कमरे में आराम से काम चालू कर सकता है, एक ही आदमी ऑपरेटिंग कर सकता है। अच्छा जी, इसको साफ करने की जरूरत नहीं? एक साइड मसाले पीसते जाओ, एक साइड आटा पीसते जाओ। अच्छा जी, चेम्बर आपको बार बार साफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एक ही मोटर से चलाना चाहे तो एक ही मोटर से चल जाएगा, तो अगर 10 HP की मोटर है तो 10 HP की मोटर से एक चेम्बर चल जाएगा। अच्छा जी, अगर आपको एक चेम्बर पे काम करना है तो एक चेम्बर भी चला सकते हो। अच्छा, दो चेम्बर पे काम करना है तो दोनों चेम्बर चला सकते हो, दोनों बेल्ट चला के। अच्छा जी, एक ही मोटर से। बहुत बढ़िया, अपना नंबर बता दीजिए। 9826 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, 9826058289। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।